सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। पेंसिल के 100 गुना माप है लेकिन पेन पर जिम्मेदारियां बहुत हैं। हर बात का जवाब देने बैठ जाएंगे तो कभी लाजवाब नहीं बन पाएंगी। नफरत के एक पल में प्यार के कई साल भुला दिए जाते हैं। इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर वह उसका साथ छोड़ जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। आज का पंचांग 19 सितंबर 2022 दिन सोमवार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि शाम 7:02 तक रहेगी। इसके उपरांत 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र शाम 6:11 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वशु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:48 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:44 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 19 सितंबर 2022 दिन सोमवार। एक ऐसा व्यक्ति जो काफी लंबे समय से आपके आसपास है लेकिन उस पर आप अधिक ध्यान नहीं दे रहे थे, आज से आप उसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू करेंगे। यह महज एक उभरता हुआ रोमांस नहीं है बल्कि मन और आत्मा का मिलन है जिसे आप खासे प्रभावित होंगे। इसके बारे में अच्छे से सोच ले क्योंकि अब यह व्यक्ति आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। कोई सरकारी मामला अटका हुआ है तो आज किसी सरकारी सेवारत व्यक्ति की मदद से हल भी हो सकता है। आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करने से आपको मानसिक शांति और सुकून मिलेगा। अपने संकल्प पर टिके रहने से अन्य लोगों के साथ बातचीत कम हो सकती है। आपका व्यवहार दूसरों को दुखी कर सकता है। अभी के समय में अकेलापन हो सकता है और जरूरी मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होगा, लेकिन निराशा से बचें। युवाओं को प्रगति मिलने से विश्वास महसूस होने लगेगा लेकिन अहंकार ना बढ़ने दें। पार्टनर की अपेक्षाओं को समझने की कोशिश करें और अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें पूरा करें। पैर दर्द और घुटनों का दर्द तकलीफदायक हो सकता है। सावधानियां, इस समय अपने भविष्य संबंधित गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान दें। दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती है। बिना मतलब दूसरों की परेशानियों में ना उलझें, ना ही हस्तक्षेप करें। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी तथा परिवारजनों के साथ कुछ समय जरूर व्यतीत करें। प्रेम संबंधों में एक दूसरे पर विश्वास रखना तथा सम्मान करना जरूरी है। अच्छा, आपको अपने साथी के अचानक आए बदलाव के कारण को जानने में मदद मिलेगी। आप कुछ समय से उस पर कम ध्यान दे रहे थे। आज अपने साथी को लाड प्यार करने का दिन है। आज अपने साथी को लंबी सैर या खरीदारी पर लेकर जाएं। एक साथ शाम का खाना खाएं। अपने साथी को बधाई दें। आप वही ताजगी और चिंगारी अपने जीवन साथी में देखेंगे। बात करते हैं करियर की। आप लंबे समय से एक ही परियोजना पर काम कर रहे हैं इसलिए आपका जीवन आज आपको नीरस लग सकता है। यह आपकी प्रगति के लिए हानिकारक है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके बदलाव लाने के लिए आप कोशिश करें। हालांकि तब तक अपने सहकर्मियों के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते का आनंद लें क्योंकि उनमें से एक बहुत सुरक्षित रूप से आपको संगठन से बाहर का रास्ता खोजने में मदद कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस में उपलब्धियां हासिल होगी। अपनी योजनाओं को किसी के समक्ष शेयर ना करें क्योंकि कोई उन्हें विफल करने का प्रयास कर सकता है। किसी सरकारी काम में गलती होने से इंक्वायरी भी होने की आशंका है। बात करते हैं सेहत की। तनावपूर्ण स्थितियों का असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। कुछ समय एकांत में अथवा प्रकृति के सानिध्य में भी जरूर व्यतीत करें। आज ग्रहों की स्थिति आग से दुर्घटना की आशंका भी जता रही है। रसोई घर में
काम करते हुए या बिजली के उपकरण पर काम करते हुए अतिरिक्त सावधानी रखें। वास्तव में आज आपको सब गर्म चीजों तथा आग के आसपास सावधान रहना चाहिए। आप अपने तनाव के कारण चिड़चिड़े से रहेंगे, जिसका असर दूसरों के साथ आपकी बातचीत पर दिखाई देगा। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।